हाय, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अब पाकिस्तान जो है पूरी तरह से हार चुका है और यहाँ ये भी साफ हो गया है कि अब अमेरिका उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है कश्मीर मुद्दे को लेकर। आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दा जब सामने आया था तो लगातार पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि वो मध्यस्थता करे, कई बात सामने आई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ट्रंप के एजेंडे में ये मीडिएशन नहीं है। ये बात सामने आई है कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं यूएस में हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने सोमवार को ये बात कही कि ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि मीडिएशन का जो प्रस्ताव था अब वो टेबल से हटा दिया गया है, यानी कि अब वो अमेरिका के एजेंडे पर नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले जब इमरान खान मिलने गए थे ट्रंप से तो ये बात सामने आई थी कि मोदी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है मीडिएशन का। हालांकि भारत ने भी इसका खंडन किया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव भारत की तरफ से नहीं गया है। ट्रंप ने उसके बाद भी एक बयान दिया और ये कहा कि अगर दोनों देश चाहें तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, यानी अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। तब भी इसका खंडन किया गया था, भारत ने कहा था कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी ऑफिस की तरफ से भी, प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से भी कहा गया था कि वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। फिलहाल आपको बता दें कि श्रृंगला ने अब ये साफ कर दिया है कि अमेरिका जो दशकों पुराना उनका स्टैंड है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा है, इसको उन्हीं के बीच में सुलझाना है, इसी स्टैंड पर कायम है। यानी पाकिस्तान, जिसको कि अब ये समझ में आ गया है कि यूएन में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, उसे अब ये भी समझ जाना चाहिए कि अमेरिका इस मुद्दे पर उसकी कोई मदद नहीं करेगा। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।